महोदय बैठे हुए अतिथिगण महोदय, बैठी हुई मेरी प्यारी सी जिकड़ी प्रेमी श्रोतागण, जिकड़ी प्रेमी जनता जनार्दन, मेरी आवाज को सुनती हुई मेरी माता बहनाएं, सभी के चरणों में सर्वप्रथम सबसे पहले कुमारी लक्ष्मी सिंसिनवार की तरफ से हाथ जोड़ करके सत सत कोट नमामि नमस्कार राम राम सा। भैया जी कलाकार बंधु आपके सामने बाबा साहब, हर एक कलाकार नहले पर दहलाता हुआ जा रहा है, लेकिन भैया जी गौर कीजिएगा, हर कलाकार अपनी कला आपके सामने प्रस्तुत करता हुआ जा रहा है, कमेटी हर कलाकार के गायकी का निरीक्षण करती हुई जा रही है, लेकिन बाबा साहब किसी ने कहा है कि आए एक ही घाट से, आए एक ही घाट से, अरे उतरे एक ही घाट, और अपने अपने कर्म से सो है गए बार। सारी बातें बाबा साहब कर्म की हुआ करती है, जैसा कि हमारी कमेटी का आदेश साखी और वास्तविक बात है, जहाँ पर बाबा साहब जिकड़ी का नाम आ जाए वहां से शुरुआत हो जाती है साखी की। आइएगा, उत्तर प्रदेश के कलाकार आपके लिए बता रहे थे कि साखी सिर्फ दो लाइन की होती है, लेकिन बाबा साहब राजस्थान से चल करके आए यकमर ने साखी थोड़ी सी लंबी है, लेकिन सुनिएगा विचार कीजिएगा भैया जी साखी को बोल क्या जवाब दे रहे हैं। चहली जो ला अरे हो और मचाली जो लाज हो और मचाली जो लाज ले करे जो और सभा में रुक मन के
लेकिन बाबा साहब ये तो ही साखी, लेकिन अब सुनेंगे आप भरतपुर जिले की पहचान, जिसे कहते हैं भरतपुरी नसिया। और कह रही है क्या और न सहनी बेने को भाये ली, सासुरे और दोनों कुल का कार
पाती बोली के तू मती अरे मोह से मिले बिना नहीं जाता तेरा पवन पती। झूठो दोस्त हे माता झूठो दोस्त धर्मस्त माता और भूत चरणन शीश नवावे और नैनन से नीर। जब इतने शब्दों को भैया जी अंजना ने कहा आज अपनी माँ से अपनी सासु माँ के हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके भैया जी आज जवाब दे रही है कह रही है कि सुन माँ तेरे मन की शंका का निवारण कब होगा। भैया जी कैसे और क्या जवाब दे रही है हरे लाल ये रंजी हीरे रा 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 रा। क्या हो रही है ले आमे त्यारे और लाल ये रंजी और मलाल दूर हो सारो और ले मेरी इज्जत पे और ले मेरी इज्जत पे मैया जवाब दे रही है।
और दिल लगी ने दी हवा। Yeah।
चरणों में रहने वाली, हाँ चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई, चरणों में रहने वाली। अंतिम बात शर्मा जी, भूपेंद्र शर्मा जी भैया जी, और अंतिम बात क्या भैया, कहा तारिका की हड्डियों से पर धारण कर ली, इसलिए कहा है वो चरणों।